हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मेकअप बाय नौरी नजमुल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट के लगा रही हूँ बेनिफिट का प्राइमर, जो कि पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। फॉर बेस आई यूज़ क्रायलिन एंड मर्लिन। उसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे फेस के ऊपर ब्लेंड करेंगे। अब आई कंसीलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आर्टिको का करेक्टर, जो कि मैं आँखों के नीचे और ब्लेमिशेस पे और पिंपल मार्क्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। टू कंसील द डार्क सर्कल्स अंडर द आई आई एम यूजिंग मेबलिन का एज रिवाइंड। एज रिवाइंड इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई। अब मैं इसको सेट करूँगी ड्राई केक से। ड्राई केक मैं पूरी नेक पर और पूरे फेस पे अप्लाई करके स्पंज से और पानी से इसको सेट करूँगी, ताकि हमारी लॉन्ग लास्टिंग बेस हो। आई शेड बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्वा का गोल्डन क्रीम आई शेडो। ये मैंने वाटर के साथ यूज़ किया है ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। फॉर अपर आई क्रीज आई एम यूजिंग लाइट शेड ऑफ ब्राउन, और जो मैं ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ वो बॉबी ब्राउन के ओरिजिनल ब्रशेस हैं। आफ्टर दैट मैंने आई क्रीज को बनाया है डार्क ब्राउन शेड से और उसको आई कॉर्नर से इनर कॉर्नर ब्लेंड किया है। लाइट ब्राउन को डार्क ब्राउन से ब्लेंड किया है और अब मैं आई कॉर्नर्स बना रही हूँ ब्लैक आई शेडो से, ताकि और भी ज़्यादा ग्लैमरस लुक दे और ज़्यादा एनहांस हो जाए। अब मैं इसके बाद मैंने ब्लैक को साइड्स पे और ज़्यादा ब्लेंडिंग दी है और ब्लैक को एनहांस किया है ताकि वो और ग्लैमरस लुक दे। अब मैं अपने फेवरेट राउंड ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगी। लास्ट में मैंने आई शेड को इन्हांस करने के लिए आईलेट के ऊपर ग्लिटर अप्लाई की है पीची पिंक कलर में, क्योंकि मेरी क्लाइंट का ड्रेस है पीची पिंक कलर। सो दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। नाउ आई एम अप्लाइंग पीची पिंक ग्लिटर ऑन हर आईलेट टू इन्हांस द आई शेडो। अब मैं इनकी आईज़ पे ब्यूटी वर्ल्ड का पीच ग्लिटर अप्लाई करूँगी ताकि वो और ज़्यादा ग्लिटरी हो जाए। ब्यूटी वर्ल्ड का ये ग्लिटर पैलेट बहुत ही ज़बरदस्त है, सभी बड़े पार्लर्स में इस वक्त यूज़ किया जा रहा है और इसके कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं और ये आपके आई शेड को बहुत इन्हांस कर देते हैं। अब बारी आ रही है लाइनर की। लाइनर के लिए जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो है स्वीट टच का। इसका ब्रश मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ईजली अप्लाई होता है। सो नाउ यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट ऑफ द आई शेड। लास्ट में बिफोर पफिंग हमने एज रिवाइंड प्राइमर दोबारा से आंखों के नीचे अप्लाई करके उसको ब्लेंड किया है और फिर हमने इसको पफिंग की है। लास्ट में हम इनकी आईब्रोज़ को इन्हांस कर रहे हैं ताकि जो भी आई शेड उसके ऊपर लगा है वो भी रिमूव आउट हो जाए और एक फिनिश लुक लगे। फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग आईब्रो मस्कारा। अब हम इनके मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है एसेंस का हाई वॉल्यूम एंड लैशेस कर्ल मस्कारा। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस मस्कारे से आपकी जो लैशेस हैं वो बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक देती हैं और आपको आर्टिफिशियल लैशेस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती।
फेस पे हमने ब्लश यूज़ किया है क्लैरिटी का ब्लश पैलेट, इनके चीक्स पे और इनकी साइड नोज़ पे, और उसी से हमने कॉन्टोर किया है। फॉर कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग क्रिस्टीन का कॉन्टोरिंग पैलेट, और उसके बाद लास्ट में आफ्टर कॉन्टोरिंग एंड एवरीथिंग अब हम अप्लाई करेंगे इनके शाइनर, जो कि इनको ग्लैमरस लुक देगा। सो वाओ, अब हमारा फेस बिल्कुल डन है विद कॉन्टोरिंग ब्लश आई शेड एवरीथिंग। अब हम अप्लाई करते हैं लास्ट में लिपस्टिक। लिपस्टिक का शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है डार्क पिंक 24 आवर्स स्टे लिपस्टिक मैट। ये लिपस्टिक मैट है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये आराम से आपकी पूरी पार्टी स्टे करती है और खाने या पीने से नहीं हटती। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। अब आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।